तो दोस्तों, ये रहा आज का लॉट। मेरे आंखों को बहुत ज्यादा काम दिख रहा है, बट कैमरे में इतना नहीं दिख रहा है। लेकिन चलो, करना तो। इस पूरी साड़ियाँ हैं और ये पूरे ड्रेस हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको साड़ियाँ दिखाई ना, तो वो पूरा काम हो गया है। अभी ये हम एक दो दिन बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो ये है। ये 50 व्हाइट कपड़े हैं दोस्तों, 51 व्हाइट क्लोथ्स हैं, और मेरे मशीन की जान है ना, बहुत छोटी है। ओके, छोटा मशीन है, 31 कपड़े वॉश करूँगा। बट आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं कपड़े कितने वॉश करूँगा, प्रॉब्लम मुझे ये है कि मैं पानी गर्म करने के लिए इस तरह का जुगाड़ करता हूँ। ओके, प्रॉब्लम ये है कि पानी गर्म करने के लिए मैं इस तरह का जुगाड़ करता हूँ। एक 2000 की कॉइल है, जो मुझे मंजित जोल, जो राजस्थान से आए थे ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने ये कॉइल मुझे बनवा के दिया है। उसके बाद में ये एक हीटर है 2000 वैट का, मतलब 4000 वैट का हीटर है, और ये 50 लीटर का ड्रम है दोस्तों। तो इतना पानी मुझे चाहिए, और इतना मुझे और एक बार भी चाहिए होगा। तो मुझे आप लोगों से थोड़ा हेल्प चाहिए। और ये इतने कपड़े, तो मुझे पता है कि मेरे चैनल पे है ना, बहुत सारे लॉन्ड्री ओनर है, मतलब मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर भी लॉन्ड्री ओनर हमारा चैनल देखते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पानी गर्म करने के लिए आपके पास कोई जुगाड़ होगा या कोई आपका सिस्टम होगा ना, मेरे साथ में शेयर कीजिए। मुझे सोलर सिस्टम नहीं बैठाना है, मेरे पास जगह बहुत कम है, तो मैं सोलर सिस्टम नहीं बैठाना चाहता हूँ। उसके बाद में गैस गीजर का भी एक ऑप्शन है, बट वो भी मुझे थोड़ा सा सूट नहीं हो रहा है। एक एक मिनट में 4-5 लीटर तक पानी आता है, 6 लीटर तक पानी आता है। ऐसे दो गैस गीजर बैठाने पड़ेंगे, उसके बाद में उसको दो सिलेंडर लगेंगे एक्स्ट्रा, तो वो है। और उसके बाद में इलेक्ट्रिक का बिल ज़्यादा आता है। अभी मेरा जो ये जो इलेक्ट्रिक वाला हीटर है ना, वो कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट तक चलेंगे, तब जाके वो पानी पूरा उबलता हुआ होगा। तो इसमें और कुछ सोल्यूशन होगा तो मेरे साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि पानी गर्म करना है ना, व्हाइट कपड़ों के लिए पानी गर्म करना और गर्म पानी से कपड़े वॉश करना नेसेसरी है, मतलब अच्छा है रिजल्ट के लिए। और अगर मेरा आधा घंटा या 20-40 मिनट तक अगर सिर्फ पानी गर्म करने में जाते हैं ना, तो बहुत मतलब मेरा टाइम वेस्ट, मतलब मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे जल्द से जल्द कुछ अच्छा जुगाड़ चाहिए, अच्छा कुछ सिस्टम चाहिए पानी गर्म करने के लिए। तो आप सभी लोग अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ फोटोज़ वगैरह, वीडियो क्लिप वगैरह भेजनी है, कैसे आप पानी गर्म करते हो। और मैं स्टीम बॉयलर भी नहीं बैठाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है। तो और कुछ ऑप्शन और सॉल्यूशन आपके पास होंगे, आप मुझे सजेशन करना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। और अगर आप कमेंट करोगे तो भी चलेगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फोटोज़ या वीडियोज़ अगर भेजेंगे, तो आपका नंबर मैं मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लूँगा, और आपसे भी मैं बात कर लूँगा। तो बस यही है दोस्तों, 50 कपड़े हैं, अगर काम अच्छा करते हो ना, तो काम और बढ़ेगा। तो इसीलिए मुझे बड़े मशीन की भी रिक्वायरमेंट तो है ही, क्योंकि ये 30 कपड़े इसमें आते हैं, मैं 51 कपड़े अभी डाल रहा हूँ। और पानी की भी रिक्वायरमेंट है, गर्म पानी की, क्योंकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें लाना है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए दोस्तों। बस ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। और सच में मुझे हेल्प चाहिए पानी गर्म करने से रिलेटेड दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सीरियसली लीजिए और मुझे गाइड कीजिए। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ, या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।